ये रोदे नहीं मगर रोदा ये पहला भी एक ऐसा मुकर्रा 9 तारीख का जेदा मुकाबला साल का कोई दिन नहीं करता। यौमे अरफा दे रोदे अल्लाह रसूल दे रसूल अल्लाह सलाम फरमाया मैनू अल्लाह की रहमत तो उम्मीद है एक साल जरा आने वाला एक साल जरा गुजर गया ये गुनाह ने माफ़ कर दिया। ये यौमे अरफा तो सिवा किसी नहीं किया। यौमे आशूरा ने भी सिर्फ एक साल के गुनाह पिछले आने वाले से बख्शवाना किसी का काम नहीं। ये इस रोजे का काम है बे पिछले भी माफ ते साल बाद जड़े साल तो अगे साल के अंदर आने उन्होंने माफ। इस तो शेख मुजीदीन फरमाउंदा है अशूरे का रोज़ा सिर्फ राफे है कि जड़े हो चुके ने उन्होंने उठा दिंदा चलो जान छुट गई। ये राफे भी है तो दाफे भी है ना पिछलिया भी उड़ाता और आने वाले भी इन्हें रोकता भी तू कोई नुकसान नहीं इस बंदे का कर सकता। और कमाल की गल है भी ये मकाम सिर्फ मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि किसी बंदे अल्लाह ने नहीं किया वे तेरे अगले पिछले बख्श दिते फिर रसूलों ने किया ले जग फिर अलग अल्लाह मात करना मैंने कहा मात आखिर पिछले बख्शे जाने होर गल है अगले का भी बख्श देना कि गां भी तू करेंगा तेन माफ़ी। ये बहुत बड़ा इनाम है रजाए तामा का ऐलान है कि पूरी तरह मैं खुश हाँ और यह बिल्कुल उस तरह का ही जिम्मे अभी पुराने दरबारा जिसने बंदा ही जान की अमान पाऊ तरस कर बादशाह ने कहना जो जर मर्जी कर कुछ नहीं तेन मैं ये बहुत खुश होकर इनाम मिलता वरना गांह भी तू जो करें नहीं पकड़ोनी कोई छोटी जी गल कहिंदा उन्होंने ही है जिते गुमान हुंदा यकीन हुंदा इन्हें एडे फजूल कम नहीं करने छोटे मोटे। तो ये रोज़ा अरफे का जरा ये जी वह एक हिस्सा उम्मती नसीब हुंदा तो तेरे नबी दे भी अगले पिछले बख्शे गया तो तू भी ये रोज़ा रखेंगा तो जोर ने फड़ा इन्नी आहता से बड़ा बिल्कुल अल्लाह की रहमत से मैंने भरोसा तेरा एक पिछले साल का हिसाब पाक आने वाले चारा करो यानी जिमें रमदान च रोजे से अगले दिन ईद इदा ही नौवीं रोज़ा अगले दिन इफ्तार यह भी इफ्तार मर्जी का नहीं बिल्कुल लाजम है एवें कहते ईद आए दिन रोज़ा ईद आए दिन रोज़ा कर कोई शैतान ही रख सकता ईदा दुआ के रोज़े हराम है मना वह बखरी गल है बे ठीक बेहतर काम है बगैर कोई हौसला कर सके तो अपनी कुरबानी के गोश्त खावे रोज़ा राजा नहीं इनू कहना चाहिए। यानी दोवें ईदा के अंदर अल्लाह पाक ने शुरू रोज़ा पिछे इफ्तार खोल दो अज खाओ पियो अल्लाह पाक खुश हुंदा राजी हुंदा अल्लाह तआला दे ओ रोज़ा भी इबादत सी अज दा बेरोज़ होना इफ्तार होना भी इबादत है मर्जी ते नहीं बंदे दे अगर नहीं आ खाणगे अज दा दिन हराम दे मुर्द के पाउंगे। और नाल ईद जिहड़ी इहनू अल्लाह तआला ने जिहड़ा अरबी ज़बान च ईद किया कई लोगों ने आख्या निकलिया ते औद चों ही औद लौटण नूं आंदे आंदे चूंकि बार बार साल दे बाद आउंदी है इस तों ईद आंदे ओ शेख अकबर बणाउंदे यार गल सुणो पंज वक्त नमाज़ां नहीं रोज़ आउंदियां लौट लौट के उन्होंने ईद क्यों नहीं कहता ये तुसी गलत समझे जे तुसी उलमाए ज़ाहिर बिल्कुल सची जे तुहानू की पता वे अंदर की राज है ये वो नहीं लौटन लौटन की गल लौटन की होंगी तो हर नमाज रोज़ लौट के आँगी कोई भी नहीं ईद आख्या ये क्यों ये ईद जी है ये आदा सारा दिमाग कर देना आद साहब शैखन जवान बूढ़ा हो गया एक कुछ ऐसे अमल है जेडे अगे सिर्फ आम है उन्होंने बात बना दी हत्ता के ठीक है असं हम खुशक हो चुके हैं मुला और मैं कहूँगा कई अल्लाह के रसूल ने इस दिन खेल तमाशे में भी बात करा दी उस दिन आज हम आम खेल नहीं रही इबादत हो गई वह बजाय मुबादे मंदूब हो गया। और खुद अल्लाह के रसूल सलाम ने अपनी बीवी ने तमाशा दिखाया कई ने उस गलत नतीजे कर लिया चलो गम भी अपनी मर्जी है उन्हें होया तो इदा ही ना कि अल्लाह के रसूल सलाम ने ईद का दिन से तो हबशी जड़े वो मस्जिद के अंदर अपना नचते तो हथियारों गतका खेलते तमाशा कर रहे थे तो हज़रत उम्र मुनाशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने कंधे से उन्हों का सिर रखाया परदे खड़िया हुई सारा वेख्या तो नाल आप पुछते रह ऐसा हूँ तेरा दिल भरया कि नहीं भरया तो उम्र थोड़ी सी तो फरमा मैं औरतों दिखाने ली औरत औरत ही और ख्याल हों भी खावन के नज़दीक मेरा मतलब बुरी गल नहीं फितरी चीज़ों उस हद रखना चाहिए ये नहीं कहना चाहिए कि लो जी अम्मा ऐसा हिरस हिरस कर दी मुहब्बत फिर मैं हजूर पुछते रहा तो मैं ही कही जम नहीं यार रसूला होर ही वेखा आखिर बहुत देर तो बाद बस अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ठीक है काफ़ी ए यानी सही बुखारी और हदीस की किताबों से यह हूँ आम नहीं खेल तमाशा रोज़ का ईद के दिन का भी रसूला दे इस अमल पारों मंदूब और मुस्तहब हो गया कि नेकी का काम सहाबी है रसूल ने एक जगह ईद की नमाज पढ़ी कैस बिन साद रज़ी उन्होंने तो उन्होंने आख्या यार सारी गल हैगी हजूर के जमाने की तकलीफ है लोगों ने आख्या तकलीफ की सी फिर मैं अल्लाह के रसूल जो ईद तो मुड़ते इधरों भी बच्चे तो इधरों बच्चे कोई नचते लंघते कोई लंघते
खुशी होंगी। यानी तुम वेख लो कि औद की है, इस दिन ने कई ऐसे अमल जो बिल्कुल सिर्फ दुनियावी से उन्होंने सवाब कुछ नहीं से, सवाब दे बनाते उन्होंने पलट के उन्होंने लौटा के बजाय बबादर सिर्फ दुनिया का कम रहने सवाब का कम बना दिया। और रसूल करीम अलैहिस्सलाम लेटे अपने घर दो बच्चियां जो दफा बजा रही हैं और गीत गा रही हैं, गीत तो जंगे बास से ही गाँवियाँ जो मदीने शरीफ के लोगों पुराने जमाने जो ही इन्हें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने आ गया रसूला का कारण मारो शैतान ये शैतानी साधे से बदल दिया। और मैं रहन हर काम की ईद होंगी है बच्चियों को खुशी कर ल इस तो अंदाजा करो कि ईद शेख फरमाते इस तो कि कई जेडे आम कम से खाना सिर्फ आम या किसी का नहीं जी करा मगर इस दिन लाजम हो गया ना कि दोनों ईदा के अंदर तुम्हें खाना पैना है। इन्होंने उस मुबाह को पलट के लाजम करार देता और जड़िया चीज़ा सिर्फ आम खेल तमाशे से उन्होंने मुस्तहब बनाता कि हूँ सुन्नत है और इन्होंने अंदर स्वाद है। तो अल्लाह तआला ने इस पारों भी इन्होंने अज छुट्टी दिखी है खाण पीन की अच्छा लिबास पहन की और नचन टपन की कितने भुल ही ना जा गाफिल ना हो जा। इस तो आगाज किस तरह होया फिर मैं सारिया खेलां जाके खेलो कोई हाकी खेलो कोई फुटबॉल खेलो कोई नचे टपे कोई नहीं अज इबादत है मगर आगाज नमाज तो होना चाहिए तो इब्तिदा जी ना पहला कदम उठाना चाहिए कि अल्लाह के सामने नमाज पढ़ो। और नमाज भी आम हालात तो जुदी कि सत्त बारी अल्लाह अकबर और पांच बारी अल्लाह अकबर करो ताकि सारे साल तुहाड़ी निगरानी करे। ये जेबो जीन तो रैश शिशर जरा ना खुशी का दिन यो ईसाइया का नाम बनता भी क्रिसमस आया तो शराब पीती रहा किते उदा का नाम बन नमाज थोड़ी मुहाफत रहे करो ऐश खुशी का दिन मगर नमाज नाल होनी चाहिए। और नमाज ही वे बार बार तुम अल्लाह अकबर बयान किया कि अल्लाह बहुत बड़ा असं वो अजमत और जलाल में जानने सानू पता कायनात के अंदर जमीन आसमान कोई भी वे बराबर नहीं बराबर की होना ना लैन के काबिल नहीं यकीन जाना। ये तो असं एवं गल कर देने कि फरिश्ते और नबी वली के मुकाबले अल्लाह ना करना शुरू किए मैं साफ हाँ अल्लाह का जिक्र जो आवे मौला मरदाखा राम तुरा लै ना ही ना लै करो नबी वली का खुदा ना पासंग पाना जी खुदा के सामने की है वह कहता तो हो जाता जो चाहता मिटा के रख दिता अल्लाह ना मुकाबला कर दे मखलूक का करो मखलूक ना उम्मत के मुकाबले नबी उच्चा नबिया चो रसूल उच्चे है रसूलों चो लाजू ये मखलूक का अक आपस तफाजर अल्लाह ना की मुकाबला। बड़ी प्यारी मिसाल दिती है शेख साजी रहमत उल्लाह ने इस मौका से कि कीड़ा जरा रात के वक्त चमकता जिन्हें जुगनू आते वो किसी ने जुगनू पूछा भी जुगनू यार की होंगे तू सवेरे नहीं कभी नजर आ सारा दिन लंघता तू दिसदा ही नहीं रात को दसा उन्हें आंदा ना बीनी क्या किरम के खाकजाद जवाब असरे रोशन आई जदाद ए अल्लाह अकबर दिमाग बिठाना अल्लाह अकबर छोटा जहा नहीं हर नमाज भी असं ता ठा हों कहने ईद चलो ज्यादा हो गया क्यों खुशी का मौका से उत्थे गफलत का ज्यादा डर से बेबेखबर ही ना हो जाए मेल मुलाकात पिकनिका ही ना दिन लगता है उत्थे ज्यादा तवज्जो ला रही है कि ठीक है उस मालिक ने अच्छा इजाजत दी है मगर उस तो गफलत नहीं होनी चाहिए उसकी याद ना भुल जाए। और अल्लाह के रसूल सलाम ने सहाबा ने उम्मत ने समझाया भी नमाज बनाई किस बने चीज़ से है बिल्कुल जिहाद का है नक्शा अल्लाह के रसूल सलाम के साथी उच्चा चढ़ते बुलंदी से अल्लाह अकबर थले उतरते वादिया सुबहान अल्लाह तस्बीह कि असी किन्ने नीवे हो जाइए साडा खुदा नीवा होने तो पा गया वो कोई है बरखामी नहीं असी किन्ने उच्चे चढ़ जाइए खुदा के सामने कोई शायद बड़ा तरह अला इस तो तुम नमाज वेखते रुकू जाने सईदे तस्बियाँ खड़े होंने तहू सिर चुकते तो उस वे अल्लाह अकबर बड़े ना बन रहे हो अल्लाह बड़ा तो साधी फरमाते जो जुगनू पुछया तो तू दिने किसे चला जाना आंदा वेख उस मिट्टी चो जमे कीड़े ने किड़ा सोना जवाब दिता कि मन रूज ओशा जुज बसहरा ने हम वरे पेशे खुरशीद पैदा रहे उन्हें आख्या रात भी इतें होना तो दिने भी इतें होना गल असल है कि जदों सूरज आ जाता वो सामने फिर मेरी कोई हैसियत नहीं मिट जा वो सामने मैं की हाँ आंदे यो हाल ही हम हर च हस्तन ददा कम तरन के बा हस्ती सुना में हस्ती बन तौहीद नहीं लोगों ने समझी अल्लाह अकबर को छोटा जा करा पर मैं जिन्हें भी है ना है नबी है फरिश्ते है सरदाज है साढ़े हम हर च हस्तंद अजा कम तरंद मगर इस तो थले है कि बा हस्ती इस नाम है हस्ती बरंद कि अल्लाह के होने के नाल ये भी कह भी असं है उत्थे नहीं इन्हें कहना उत्थे ये ना तू ही तू हाँ बुले शाह ने भी पुकार उठ